का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं रोहित आप सभी के साथ। और देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। दिन भर काफी बड़ा एक्शन इसमें देखने को मिला। और अब बात करते हैं कि कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपको देखने को मिलेगा कि 1 आवर्स का चार्ट है। देखिए मार्केट पूरा लेवल टू लेवल वाला है। हमने मॉर्निंग में देखिए मार्केट में इस जगह कॉल बाइंग करने की राय दी थी, जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बिल्कुल देखिए ऊपर का जो लेवल हमको देखने को मिलता है, उसी लेवल से देखिए आपको सेलिंग देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में पहली बार हुआ है, ऐसा काफी बार हुआ है। और मैं आपको बता के भी गया था कि मार्केट देखिए अगर इस लेवल पे आपको मिलता है, देखिए बिल्कुल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि उसी लेवल से आपको देखिए ऊपर की साइड से सेलिंग देखने को मिली। जो कि अगर हम बात करें तो इस जगह आपको देखने को मिलता है, देखिए मैं लिखना भी चाहूंगा, 34,800 का लेवल। ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस का देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे से जब हमने इसमें रिकवरी देखने को मिली, तो वो रिकवरी का देखिए इस जगह लेवल जो हमको देखने को मिलता था, वो लेवल देखने को मिलता था इस जगह 34,400 का। और आज का देखिए 34,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, एक बड़ी तेजी देखने को मिली। और बड़ी तेजी में इस जगह आप सभी को याद होगा कि 400 पॉइंटों की तेजी देखने को मिली। देखिए मार्केट की खूबसूरती आपको इसी जगह से देखने को मिलती है कि मार्केट आपको ऊपर की साइड भी देखने को मिलता है, मार्केट आपको नीचे की साइड भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा जब ही बनता है जब आप सही जगह पर सही चीज को बाइंग कर पाते हो। अब जैसे कि अगर आप देखो तो सुबह देखिए मार्केट में एक बढ़िया तेजी थी, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था तो हमने इस जगह देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर 34,600 का इस जगह सीई बाइंग करने के लिए राय दी थी और 350 रुपये पर दिया था, जिसने देखिए ऊपर की साइड 510 का हाई मारा था। यानी अगर आप देखोगे तो पूरा देखिए 150 पॉइंटों का इस जगह मूव हमको देखने को मिला। तो किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। अब चलिए बात करते हैं कि आगे हमको कैसे लेवल पर काम करना चाहिए। तो एक चीज तो देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देता है कि अब आपको देखिए लेवल इसमें कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें ट्रेड लाइन लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रेड लाइन आपका लगेगा इस लेवल से, जो कि देखिए आज के दिन इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था और इस जगह देखिए मार्केट कंसोलिडेट भी किया था, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक और ट्रेड लाइन हम इस जगह लगाना चाहेंगे जो कि इसके हाई लेवल पर, यानी इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं डार्क कर देता हूं ऊपर की साइड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलता है। अब नीचे की साइड एक आप देखोगे ना, तो नीचे की साइड देखिए मार्केट में एक इसमें गैप दिखाई देता है, जिस गैप के बारे में देखिए मैंने कल भी बात की थी कि ये गैप आपका कभी ना कभी देखिए फिल होता हुआ दिखाई देगा, जो कि जे वाला गैप है। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है जे वाला गैप। अब इस गैप को देखिए मार्केट में हम कैसे फिल कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं कि मार्केट देखिए अपने लो के नीचे, यानी अगर हम बात करें तो इसका लो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस जगह, इसका देखिए लो मैं इस जगह दिखाना चाहूंगा 34,150। अगर ये अपने लो को क्रॉस कर देता है कल के दिन, तो इसमें हम क्या बाइंग कर सकते हैं, इसमें हम पुट बाइंग कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको लेवल बता रहा हूं, एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर अपने लो के नीचे निकलता है, 34,150 के नीचे निकलता है, तो इस जगह हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो टारगेट आपको देखिए इस जगह 34,000 का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 33,900 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टारगेट आपको 33,750 का देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी बड़े टारगेट इसमें निकल के आते हैं और काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आते हैं, क्योंकि मार्केट में एक कहीं ना कहीं नीचे का गैप भी दिखाई दे रहा है। और आप सभी को पता होगा कि मेटल शेयर में देखिए जो आपको सेलिंग दिखाई दी, मेटल शेयरों में आपने देखा होगा टाटा स्टील को देखा होगा, जेडब्ल्यू स्टील को देखा होगा, सेल को देखा होगा, जिसके भी तरफ से आपने देखा लास्ट में काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिली और उसका पूरा इफेक्ट आप सभी के सामने है। तो चीज़ों को आपको बस समझना है कि मार्केट देखिए अगर आपको एक अच्छा मौका देता है तो ऊपर से सेलिंग करने का भी मौका देता है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने ऑप्शन चैन ओपन किया है, जो कि अगर आप देखोगे तो 26 मई का देखिए ऑप्शन चैन ओपन किया है। इस जगह मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया है। इसमें देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए हाई वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए कि आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में देखिए इस जगह जो आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो अभी कॉल में दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 990,000 के समथिंग का देखिए आपको इस जगह देखने को मिल जाता
जाता है 9,90,000 के समथिंग का। उसी जगह अगर मैं बात करूँ जगह पुट की, तो पुट में आपको देखने को मिलता है 9,21,000 के समथिंग का। यानी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों ने इस जगह कॉल काफी ज्यादा बाइंग करके रखे हैं। इसके अंदर देखिए सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर कॉल के अंदर फंसे हो तो सबसे लास्ट में जब जो सेलिंग आपको देखने को मिली थी उसमें काफी ज्यादा लोग फंसे हैं, क्योंकि ऑपरेटर का जो सबसे ज्यादा काम होता है वो लोगों को फंसाना होता है। देखिए जब तक ऑपरेटर फंसाएगा नहीं उसका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें अगर हम बात करें एक सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं देखिए इस जगह 34,100 का एक सपोर्ट दिखाई देता है। अगर इस सपोर्ट को देखिए मार्केट ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो फिर आपको एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आप कहीं ना कहीं देखिए नीचे की साइड इस जगह आप 33,800 तक के देखिए यात्रा नीचे की साइड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि भाई 34,100 के नीचे जाना चाहिए। उसी जगह अगर मैं बात करूं तो ऊपर की साइड देखिए रेजिस्टेंट, तो एक बड़ा रेजिस्टेंट जो इसमें दिखाई देता है वो 34,500 का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोगों ने काफी ज्यादा बाइंग करके रखा है। इस जगह अगर आप देखोगे तो 70,000 के समथिंग का बाइंग करके रखा है। उसी में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 21,000 देखिए ओपन चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी लोगों ने इस जगह ऐड भी करके रखा है। उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंट हमको देखने को मिलता है जो कि आपका देखिए इस जगह अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा देखिए इस जगह 34,700 का, ये भी एक आपको बड़ा रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट ऊपर से आपको ओपन भी हो जाता है तो ऊपर से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो और ज़्यादा फिसलने की कोशिश करेगा। देखिए बाइंग करने का मौका कहाँ पर मिल सकता है उसको भी अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इस जगह मैं एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँगा जो कि देखिए इस लेवल से आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। जी देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने ओपन किया है। अब देखिए मार्केट में एक चीज़ तो आपको पता है कि सेलिंग अगर आपको देखने को मिलेगा तो मार्केट नीचे की साइड आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट देखिए नीचे की साइड आता भी है तो आपको जो मौका मिल सकता है मार्केट में बाइंग करने का वो देखिए इस लेवल पर मिल सकता है। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट अगर हमको नीचे की साइड देखिए इस जगह मैं लिखना चाहूँगा 33,200 के समथिंग अगर हमको मार्केट मिलता है तो इस जगह हम कहीं ना कहीं देखिए सीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए इस जगह काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको इस जगह देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो एक तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट देखिए अगर नीचे की साइड मिलता है तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक तो जो आपका गैप है वो पूरा गैप आपका फिल हो जाएगा, जिसके वजह से मार्केट नीचे की साइड आ रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी इस जगह मिलेगा सीई बाइंग करने का। देखिए इस वाले कॉल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पब्लिश करूंगा, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जरोदा अप स्टॉक एलएस बिलो IIFL के साथ, और हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। प्लस इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो हमको मार्केट देखिए इस प्राइस पर मिलता है तो हम इस जगह देखिए सीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। कंडीशन पर आपका एक ही होगा कि मार्केट ऊपर की साइड ओपनिंग दिया लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देना चाहिए, यानी मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हम इस जगह देखिए सीई बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमको टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट इस जगह देखिए 33,300 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट देखिए इस जगह जो आपको देखने को मिलेगा वो 33,450 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 33,600 का आपको लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा। यानी नीचे के लेवल से भी आपको काफ़ी अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरे टोटल टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 400 टारगेट के आसपास देखने को मिलते हैं। देखिए आज का हम वीडियो का लाइक इस जगह रखते हैं 1,000 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप इस लेवल तक पहुँचा दोगे। देखिए आपको एक चीज़ और समझना है कि आजकल जो मार्केट में हो रहा है वो इस जगह देखिए गैप अप और गैप डाउन का देखिए पूरा खेल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट आपका देखिए इस जगह गैप अप ओपन हो भी जाता है, तेजी के साथ ओपन हो भी जाता है, तो उस जगह आपको फंसना नहीं है। फंसना मतलब अगर मार्केट आपको देखिए इस लेवल के आसपास मिलता है जो कि आपका ऊपर की साइड है, इस रेंज के आसपास मिलता है जो कि अगर मैं बात करूँ देखिए इस जगह 34,700 से लेके ऊपर की साइड देखिए इस जगह 34,800 के, यानी इस 100 पॉइंटों की रेंज में आपको मार्केट मिलता है, इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर से नीचे की साइड मूव देता है, तो इस जगह देखिए हम सेलिंग करने का ही प्लान करेंगे, यानी हम इस जगह पीई बाइंग करने का भी प्लान करेंगे। अगर मार्केट आपका गलती से भी देखिए ऊपर की साइड ओपन हो जाता है तो उस जगह आपको फंसना नहीं है, आपको देखिए इस जगह बिल्कुल सटीक देखिए पीई में काम करना है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो देखिए ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट पर भी देखिए मार्केट में काफी कंसोलिडेट हुआ और एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मार्केट आपको ऊपर
ये चार्ट ओपन होता भी है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो वहाँ पे हम सेलिंग करने का प्लान ही करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड आता है, तो इस जगह हम पुट बाइंग करने की ही कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट में आपने देखा कि ऊपर की साइड देखिए, जो आपके FIIs होते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका पूरा एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जब भी मार्केट में एक सेलिंग आती है तो उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, फिर एक मूव देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज हो सकता है मार्केट, फिर उसके बाद अगर नीचे की साइड मूव देता है तो हम सिंपल इस जगह PE बाइंग करके चल सकते हैं। अगर हमको ऊपर की साइड भी कहीं मिलता है, इस लेवल के आसपास भी अगर कहीं मिलता है, तो उस जगह ही हम PE बाइंग करने का प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसको भी देखिए हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट हमको इस जगह 34,700 के समथिंग मिलता है, तो इस जगह भी हम PE बाइंग करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो पहला देखिए इस जगह टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा 34,600 का पहला टारगेट होगा, 34,500 का दूसरा होगा और 34,400 का आपका तीसरा टारगेट होगा। यानी टोटल टारगेट की हम बात करें तो यहाँ पे 300 पॉइंटों के आपको टोटल टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए मार्केट में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि आपकी बड़ी तेजी जब तक नहीं आने वाली, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यू देखिए इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि अगर हम बात करें 34,830 का लेवल, इसके ऊपर जाएगा यानी अपने हाई के ऊपर जाएगा, जब भी इसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी। मंदी की हम बात करें तो मंदी आपकी जब तक आएगी इसमें, जब तक आपका देखिए मार्केट इस जगह 34,000 के लेवल के नीचे जाएगा। अगर अपने लो के मार्केट आपका नीचे जाएगा तो आपको नीचे की साइड गिरावट देखने को मिलेगी। नीचे कितनी गिरावट आ सकती है आपका देखिए, नीचे की साइड अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 700 पॉइंट की आपकी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके ऊपर ही आपको तेजी देखने को मिलेगी, जब इसके ऊपर जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।